खबर ऑस्ट्रेलिया तो सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया दे विच अंतरराष्ट्रीय यात्रियों लई एक खुशी की खबर सामने आ रही है। सरकार दे वलों वड्डे बदलाव किए गए ने, क्योंकि कोविड-19 के मद्देनज़र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डिया भी जड़ा कि रोक दिता गया सी, अते कई नियम उन्होंने वालों लागू किए गए सी, पर हुण इन नियमों दे विच बदलाव लिया दिता, जिस करके यात्रियों काफ़ी सौखा होने वाला। की बदलाव किए ने, देखो है खास रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया सरकार पूरी तरह कोविड-19 टीकाकरण वाले यात्रियों लई देश दे विच दाखल होना आसान अते सस्ता बना रही है। विदेशों तो ऑस्ट्रेलिया आने वाले लोगों नूं हुण देश विच दाखल होने लई नैगेटिव PCR टैस्ट का नतीजा देने की लोड़ नहीं होगी। इसकी बजाय रवानगी के 24 घंटे अंदर एक नकारात्मक रैपिड एंटीजन टैसट करवाने का विकल्प होगा। सरकार वालों एक होर बदलाव करद हूँ सकारात्मक टैसट तो 7 दिन बाद विदेशों तो लोगों को देश परतन की इजाजत दी जाएगी। नवे नियम 23 जनवरी सवेरे 1 बजे लागू हो गए ने। सेहत मंत्री ग्रेक हंट ने एक बयान दे विच कहा कि जदों कि म्यारी PCR टैसट बने रहेंगे, पर 24 घंटे के अंदर एक रैपिड एंटीजन टैसट स्वीकार योग होगा। सेहत मंत्री ग्रेक हंट ने कहा कि रैपिड एंटीजन टैसट डायगोनोस्टिक उद्देशों लिए होगा कि यात्री ऑस्ट्रेलिया जाने तो पहला कोविड-19 है या नहीं। यह कदम दक्षणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड अते तस्मानिया समेत कई राज्यों वालों अंतरराज्यी यात्रा तो आने वाले पूरी तरह टीकाकरण वाले लोगों को कोविड-19 टैसटिंग के नियम च ढिल देने के फैसले तो बाद लिया गया। अंतरराष्ट्रीय यात्री नियमों के विच एक होर तब्दीली करदे विदेशों विच रहिंदे होए कोविड-19 पॉजिटिव लोगों को मौजूदा 14 दिनों तो घटा के सकारात्मक टैसट तो 7 दिन बाद देश वापस आने की इजाजत दी गई है। इस नाल विदेशों तो परतन वाले यात्रियों लई नवी घरेलू एकांतवास की सहूलत नाल ऑस्ट्रेलिया वापस आने का इंतजार का समा घट जाएगा। ऑस्ट्रेलिया आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे और हवाई जहाजों के विच मास्क पहनना लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी, हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद के हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम naibtehsildar.com कानून जायदाद दा। खबर ऑस्ट्रेलिया तो सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया दे विच अंतरराष्ट्रीय यात्रियों लई एक खुशी की खबर सामने आ रही है। सरकार दे वलों वड्डे बदलाव किए गए ने, क्योंकि कोविड-19 के मद्देनज़र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डिया भी जड़ा कि रोक दिता गया सी, अते कई नियम उन्होंने वालों लागू किए गए सी, पर हुण इन नियमों दे विच बदलाव लिया दिता, जिस करके यात्रियों काफ़ी सौखा होने वाला। की बदलाव किए ने, देखो है खास रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया सरकार पूरी तरह कोविड-19 टीकाकरण वाले यात्रियों लई देश दे विच दाखल होना आसान अते सस्ता बना रही है। विदेशों तो ऑस्ट्रेलिया आने वाले लोगों नूं हुण देश विच दाखल होने लई नैगेटिव PCR टैसट का नतीजा देने की लोड़ नहीं होगी। इसकी बजाय रवानगी के 24 घंटे के अंदर एक नकारात्मक रैपिड एंटीजन टैसट करवाने का विकल्प होगा। सरकार वालों एक होर बदलाव करद हूँ सकारात्मक टैसट तो 7 दिन बाद विदेशों तो लोगों को देश परतन की इजाजत दी जाएगी। नवे नियम 23 जनवरी सवेरे 1 बजे लागू हो गए ने। सेहत मंत्री ग्रेक हंट ने एक बयान दे विच कहा कि जदों कि म्यारी PCR टैसट बने रहेंगे, पर 24 घंटे के अंदर एक रैपिड एंटीजन टैसट स्वीकार योग होगा। सेहत मंत्री ग्रेक हंट ने कहा कि रैपिड एंटीजन टैसट डायगोनोस्टिक उद्देशों लिए होगा कि यात्री ऑस्ट्रेलिया जाने तो पहला कोविड-19 है या नहीं। यह कदम दक्षणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड अते तस्मानिया समेत कई राज्यों वालों अंतरराज्यी यात्रा तो आने वाले पूरी तरह टीकाकरण वाले लोगों को कोविड-19 टैसटिंग के नियम च ढिल देने के फैसले तो बाद लिया गया। अंतरराष्ट्रीय यात्री नियमों के विच एक होर तब्दीली करदे विदेशों विच रहिंदे होए कोविड-19 पॉजिटिव लोगों को मौजूदा 14 दिनों तो घटा के सकारात्मक टैसट तो 7 दिन बाद देश वापस आने की इजाजत दी गई है। इस नाल विदेशों तो परतन वाले यात्रियों लई नवी घरेलू एकांतवास की सहूलत नाल ऑस्ट्रेलिया वापस आने का इंतजार का समा घट जाएगा। ऑस्ट्रेलिया आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे और हवाई जहाजों के विच मास्क पहनना लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी, हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद के हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम naibtehsildar.com कानून जायदाद दा।